तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देखिए कि हम लोग प्रीति मैम के साथ निकल चुके हैं मेन रोड पे ट्रैफिक में। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग हर बार बताते हैं आप लोग को कि ट्रैफिक में हम लोग निकलते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि मैं अपने गाड़ी पे हूँ और मैम ड्राइव आगे कर रही हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैम को काफ़ी डर लग रहा है, आज इनका पहला दिन है और काफ़ी गाड़ियों का ज़्यादा भीड़ है। तो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि कैसे मैम निकल रही हैं और घर तक इनके ले जाएंगे पूरा। तो घर में, घर के पास भी काफ़ी ख़राब रोड है मैम का, तो वहाँ भी इनको चैलेंज फेस करना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, अभी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैम का स्कूटी यही है, पिंक कलर का जो हेलमेट लगाई है ना, मैं पीछे पीछे हूँ। काफ़ी मैम डरी हुई है, काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है भाई। हाईवे है, इधर से सारी बस, ट्रक, ऑटो, कार, रिक्शा, मतलब टोटल चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, मैं आगे ये भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि मैम ब्रेकर क्रॉस करेंगी। ठीक है, तो ब्रेकर भी आप लोगों को दिखाऊंगा, मैम खुद से क्रॉस करेंगी क्योंकि इनके सपोर्ट में कोई नहीं है, अभी सिर्फ ये अकेले चला रही हैं। और ट्रैफिक तो भाई आप लोग देख रहे हो, दूर दूर तक दोनों साइड वन वे रोड है। वन वे रोड में और रिस्क होता है और हम लोग यहाँ पर इनको चलवा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए किस लेवल की ट्रेनिंग चलती है। बिल्कुल रोड पे निकलवाया जाता है। अब हम लोग पहुँचने वाले हैं ब्रेकर के पास, बस कुछ समय में ही पहुँच जाएंगे। गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही रश है भाई। बस इस रश में हम लोग निकल रहे हैं और हमने भी मतलब रिस्क तो नहीं उठाया है, हमें कहीं ना कहीं भरोसा होता है तभी हम लोग रोड पे लेकर निकलते हैं। ठीक है, बट क्या करोगे, गाड़ियाँ तो इतनी बढ़ चुकी हैं और डेली बढ़ ही रही है, आप लोग को इस गाड़ियों को फेस करके आगे निकलना है, चलाना है। ठीक है, तो हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन काफ़ी गाड़ियाँ आप लोग देखिए, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। अभी ब्रेकर आ गया, मैम नीचे अपना गाड़ी को उतार ली है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, तो आप लोग देख ही रही हैं। अभी मैम को मैंने समझाया थोड़ी देर पहले, जिसमें हमें वीडियो को थोड़ा सा बंद करना पड़ा क्योंकि कैमरा भी मैं पकड़ा हुआ हूँ, ड्राइव भी कर रहा हूँ, मैम पे ध्यान भी है कि कैसे मैम चला रही हैं, तो ओवरऑल हर चीज़ हमें देखना होता है। आप लोग तो समझते ही हो, ड्राइव करते वक्त बिल्कुल फोकस। बट अब हम लोग का क्या है, एक्सपीरियंस थोड़ा सा है तो हम लोग को पता है, यहाँ ड्राइव भी कर रहे हैं, ध्यान हम लोग का कैमरे पर ज़रूर है बट कैमरा तो हम लोग देख नहीं रहे, सिर्फ कैमरा को एक एंगल से हम लोग पकड़े हैं। ठीक है, तो देखिए रोड पे निकल रही है मैम। आप लोग बोलते हो कि ड्राइविंग स्कूल वाले रोड पे नहीं निकलवाते हैं, तो ये आप लोग का भी कहना सही है क्योंकि 8-10 दिन में कोई रोड पे निकलवा रहे हैं तो मतलब पॉसिबल नहीं है उनके लिए भी, क्योंकि वो लोग डेज पे काम करते हैं। बट हम लोग क्या है, गारंटी पैकेज है हमारा कि आपको जब तक चलाना ना है अच्छे से, हम लोग अब इनको रोड पे निकलवा दिया, अब हम लोग के साथ मतलब इनका ट्रेनिंग ओवर हो जाएगा। आज इनका लास्ट डे है क्योंकि आज रोड पे इनको निकलवा दिया और हैवी ट्रैफिक में, आप लोग देख रहे हैं पूरी हैवी ट्रैफिक में। ठीक है, आप लोग चलिए देखिए, थोड़ा सा मैं भी शांत हो जाता हूँ आगे, क्योंकि चौराहा आने वाला है, गोलंबर आने वाला है, तो मुझे भी थोड़ा ध्यान देना है। बस आप लोग वीडियो देखिएगा, ठीक है, उसके बाद फिर मैं बोलूँगा आराम से। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही एकदम दूर दूर रोकिएगा, ऐसे ही दूर रोक लेना, चलिए बढ़ाइए। चौराहा क्रॉस कर चुकी है मैम, ठीक है, अब आगे और बढ़ रही है। काफ़ी ज़्यादा मेन है कि यहाँ पर बस स्टैंड है, तो बस स्टैंड के चलते भी भीड़ ज़्यादा है।
अभी मैं थोड़ा सा शांत हूँ इस वीडियो में, यहाँ पर थोड़ा सा देख रहा हूँ मैम का। देखिए ब्रेकर आ गया है, ब्रेकर अभी क्रॉस करेंगी, कैसे दोनों पांव नीचे रख के, ठीक है। और इस बार मैम नीचे भी नहीं रखी, मतलब डर इतना इंसान का होता है कि दिमाग उस टाइम काम नहीं करता है, फिर वो बस वर्क करने लगता है। जब अपने ऊपर वो चीज़ आने लगती है, अकेले अब हर चीज़ संभालना है, तो हर चीज़ दिमाग ऑन हो जाता है सारे लोग का, ठीक है। तो अब हम लोग आ गए हैं मैम के गली में, एक तरह से आप बोल सकते हैं इनके घर की तरफ हम लोग निकल चुके हैं। रोड बिल्कुल खाली है, बट रोड इतनी ख़राब है कि अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए कैसे ऊपर नीचे रोड है, बिल्कुल ठीक है, पूरा ऊपर नीचे रोड है, और इसमें भी मैम को निकालना है खुद से ही। तो सारा काम मैम आज खुद की है। देखिए पूरा ख़राब रोड है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो देखिए कैसा रफ रोड है, पूरा पूरा कहीं गड्ढा कहीं पत्थर, इसमें मैम कैसे खुद से निकाल रही हैं, ठीक है। तो पूरा अभी तो ये मतलब थोड़ा गर्मी का टाइम है, तो बारिश नहीं हुई, बारिश के टाइम में और यहाँ दिक्कत होती है। पूरी ख़राब रोड है फिर भी मैम निकल पड़ी हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस टाइप से ट्रेनिंग दिया है, इस तरह ट्रेनिंग दिया है कि आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहो, हर चीज़ फेस करो आप, ठीक है। तो बस आप लोगों को भी ऐसे ही सीखना है, इतना थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे, बस क्या है ना, एक पेशेंस बना कर रखेंगे तो आपका हर काम हो जाएगा। बस थोड़ा सा ज़रूरत है आपको, मतलब एक भी बोलते हैं ना, मेहनत करते रहो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए, मतलब कि छोड़ दिया, ठीक है। टर्निंग है अभी, बढ़ाइए 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 बढ़ाइए, बढ़ाते रहिए, चलिए बढ़ाइए, एक्सेलेरेट एक्सेलेरेट, चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, रिजल्ट एक दिन दो दिन तीन दिन पाँच दिन दस दिन ना आए कोई बात नहीं, लेकिन आप फिर भी बने रहिए, आप छोड़िए नहीं कि नहीं मुझे करना है डेली, कुछ ना आए डेली रगड़िए, डेली स्कूटी चलाइए, कैसे नहीं आएगा, हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़, बस आपको वो लगन चाहिए, वो लगन और मेहनत और कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मैं बोला ना, नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, देखिए खुद से मैम सारा टर्न कर रही हैं, सारा इतने अच्छे से मतलब टर्न कर रही हैं, इतना प्यारा टर्न कर रही हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए फिर यहीं पर हम लोग, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रही है ना, फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे। बस यही चीज़ मैं लास्टली बोलूँगा कि कहीं भी आप लोग सीख रहे हो, कोई भी ड्राइविंग स्कूल से अकेले सीख रहे हो, कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी सीखो, अच्छे से आप लोग सीखो, बस मैं यही चाहता हूँ, हर लोग सीखो, और बस आप लोग पेशेंस बनाए रखो और प्रैक्टिस प्रैक्टिस बस प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस से हर चीज़ पॉसिबल है, तो बस यही चीज़ है, ठीक है। तो फिर वीडियो को ऑफ करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बस हमारे चैनल को ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहें, और अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम लोग अभी और लाने वाले हैं जल्दी, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें हमारे चैनल को, ठीक है। देखिए कैसी ख़राब रोड है, पूरी ख़राब रोड है, पूरी पूरी पथरीली रोड है, पत्थर है, रोड टूटी हुई है, उसमें भी मैम चला रही है। तो चलिए फिर, अब तो हर रोड पे मैम चला लेंगे, जब मेन रोड पे इतनी बिजी रोड पे लाई, इतनी ख़राब रोड पे लाई, तो अब क्या चाहिए, है ना। अकेले खुद से देखिए कोई सपोर्ट में नहीं है, मैं पीछे से बस वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और आगे देखते रहें अच्छी अच्छी वीडियो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।